हिमाचल के नूरपुर के कस्बा जसूर में पुलिस ने एक गाड़ी चालक से जाली करसी पकड़ी है। आपको बता दें कि ये गाड़ी चालक राजा का तालाब में एक दुकानदार से ठगी कर जसूर की तरफ जा रहा था। दुकानदार की होशियारी व पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी को ट्रैफिक पुलिस द्वारा जसूर में पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर कार चालक से 3,380 रुपए नकली नोट बरामद किए गए। वही लोक मित्र केंद्र राजा का तालाब के संचालक अरुण कौंडल ने बताया कि वह नूरपुर कोर्ट में अधिवक्ता हैं तथा आरोपी उनके लोक मित्र केंद्र राजा का तालाब में सामान लेने आया था। उसने 100 रुपए का नोट उन्हें दिया और बाकी बकाया लेकर दुकान से चला गया। जब उन्होंने 100 के नोट को देखा तो वो नकली था। अरुण कौंडल ने तुरंत नूरपुर थाना में हेड कांस्टेबल दलजीत कटोच को फोन किया और सारी जानकारी दी। दलजीत कटोच ने तुरंत जसूर ट्रैफिक को फोन कर सूचना दी और ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस पंजाब नंबर गाड़ी को पकड़ लिया गया और तलाशी लेने पर गाड़ी चालक की जेब से 3,380 रुपए नकली नोट बरामद हुए। आरोपित की पहचान राजेश कुमार निवासी गांव पंगोली के रूप में हुई है। वही पुलिस ने अपनी जांच कर ली है। मैं नूरपुर कोर्ट में एडवोकेट हूँ और घर मेले बेसिकली राजा के तालाब में है। मैं आज कोर्ट से जल्दी फ्री होकर चला गया था और राजा तालाब में मेरा लोक मित्र केंद्र भी है, वहाँ मैं लोक मित्र का काम भी करता हूँ। जैसे मैं घर पहुँचा, वहाँ जो मैंने घर पे लोक मित्र पे लड़की रखी हुई थी वो मैंने भेज दी और खुद मैं बैठ गया। तो थोड़ी देर हुई तो एक व्यक्ति जो आज पकड़ा गया है वो मेरे पास आया और मुझे बोलता कि मुझे 10 रुपये का जो है सेलो टेप चाहिए। उसने मुझे 100 रुपये का नोट दिया, मैंने उसे 2 सेलो टेप दे दी, बकाया करके वो चला गया। जैसे मैं गले में पैसे डालने लगा और मैंने वो चेक किया नोट, तो वो नोट जो है मुझे आभास हुआ कि वो नकली है। और जब मैंने ध्यान से देखा तो वो नोट जो है नकली निकला। उसके तुरंत बाद मैंने पुलिस स्टेशन नूरपुर में फ़ोन किया तो दिलजीत जी का मेरे पास नंबर था, हेड कांस्टेबल, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत जसूर में फ़ोन किया और मुझे बताया गया। थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया कि जसूर में उनको जो है रोक लिया गया है। उसके बाद मैं जसूर आया तो वहाँ ये व्यक्ति पकड़ा हुआ था और उसके बाद मैं अभी थाने में हूँ और अपनी जो कंप्लेंट थी वो लिखवा के और इसके बाद जो भी इनका ये गुप्त तरीके से जो भी ये धंधा कर रहे हैं, कहाँ से नोट लाए हैं और जो इनके पास रिकवरी हुई है और एक्स्ट्रा रिकवरी जो भी होगी वो देखेंगे। पर अपनी तरफ से चलो एक नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो मैंने मेरा फर्ज था वो मैंने निभाया है, ताकि अन्य लोग भी इनका शिकार ना हो पाए। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।